If you are not good in economics. If you are not good in policy making. If you are not good in macroeconomics. If you are not good in mathematical economics. If you are not good in labor economics. If you are not good in monetary economics. Do subscribe. Please like and share our video. And subscribe and press the bell icon for the further videos. आज कल एक्सपर्ट बताने का आपको ये मकसद है कि वो बच्चों हाल बताना जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं करती है अगर जैसे कि हमारे पास एक ईद-उल-अज़हा कई बार आता है जिसमें बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं जिसमें बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं गायें बकरा दुम्बा ऊँट वगैरह तो एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब आपकी इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट हो उसमें फेस्टिवल आ जाता है जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब जो मनी है वो आ जाती है उसके बाद भी आपकी जो नेशनल इनकम वो इंक्रीज क्यों नहीं होती है तो इसकी भी चंद वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एक बिग पुश एक थ्योरी है उस थ्योरी में ये भी यही बताया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज गैर तरक्की याफ्ता मालिक जो कि तरक्की नहीं करते क्योंकि उनको बिग पुश नहीं मिल पाता है वो इन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती रहती है सरमायाकारी भी होती रहती है लेकिन उनको अपने कंट्री में एक बिग पुश नहीं मिलता हमारे पास एक वो अपने ही सर्कुलर डेप्थ के अंदर फंसा रहता है तो हमारे पास एक फेस्टिवल आता है जिसकी वजह से हमें एक बिग पुश मिल जाता है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं करती अब जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 200 बिलियन रुपीज का एस्टिमेट किया गया है जो कि मतलब मुल्क में उसकी इतनी ज्यादा मतलब पैसे आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होती है हमारे यहाँ पे तीन सेक्टर होते हैं एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर गुज़िश्ता कई सालों से जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज होते होते इतना इंक्रीज हो गया कि 62% होल्ड उसका यानी यहाँ पे हो गया है सर्विस सेक्टर में और जो मैं एग्रीकल्चर सेक्टर का 19% होल्ड है और जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका 20% होल्ड है अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि मतलब सर्विस सेक्टर इंक्रीज उसका वो बहुत ज्यादा ही फैल चुका है और जो बाकी दो सेक्टर है वो श्रिंक हो चुके हैं एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब ये दोनों सेक्टर श्रिंक हो गए हैं तो हमारे पास जॉब्स कहाँ से आएंगी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी फॉरेन रेवेन्यू हम कैसे उसको कलेक्ट कर पाएंगे तो जब यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सर्विस सेक्टर फैल रहा है और बाकी जबकि दो सेक्टर हैं वो श्रिंक हो रहे हैं तो जब वो श्रिंक हो जाएंगे तो हमारे पास जॉब्स नहीं होंगी ना लोगों के पास पैसे आएंगे और ना ही नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज करेगी एक और बहुत बड़ा मसला वो है पैरेलल इकोनॉमी जैसे हमारे साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी चलती आ रही है उसमें होता है कि बुनियादी मशूरे जो हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है मतलब ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है ना कोई लिखित पढ़त होती है ना कोई प्रूफ होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से हमें पैसा आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है थैंक यू इस वीडियो को लाइक और शेयर कर